सारा चीज़ को हम मिश्रण कर चुके हैं, आप लोग दिखा रहे हैं। हम लोग सब मुरही, बादाम, टमाटर, मिर्चा, प्याज, मुरही, मिर्चर सब डाल दिए थे। देखिए हम लोग पूरा इवेंट पूरा मिला चुके हैं, देख सकते हैं पूरा मज़ेदार देसी मुरही बन झाल गया, मुरी झाल मुरही बन चुका है। अब हम लोग खाने जा रहे हैं। हम लोग इसको शुरू से दिखाते हैं आप लोग प्रोसेस कैसे बनता है झाल मुरही। ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट आप लोग ले लाते रहेंगे, आगे प्रोसेस आप लोग दिखा रहे हैं मुरही कैसे बनता है। दोस्तों आज हम लोग झाल मुरही बनाने वाले हैं, उसमें टमाटर हम लोग काट रहे हैं और प्याज हम लोग काट चुके हैं। हम लोग प्याज काट, अब मिर्ची काटने वाले हैं। आप लोग दिखाते हैं, हम लोग नया नया कंटेंट ला रहे हैं आपके लिए। देखिए हम लोग टमाटर काट चुके हैं, प्याज भी काट चुके हैं, अब हम लोग मिर्ची काटने वाले हैं। टमाटर पूरा कटा नहीं है, आप लोग दिखा रहे हैं। देखिए हम लोग टमाटर कट रहा है, टमाटर हम लोग कट रहा है छोटा छोटा पीस में। देखिए यहाँ पर हम लोग थाली भी रख रहे हैं, उसको हम लोग मुरही निकालेंगे, मिर्चा भी काट लेते हैं। दो मिर्ची लेके आइए तो। हाय दोस्तों, आप लोग दिखा रहे हैं हम लोग झाल मुरही बनाने वाले हैं। हम लोग टमाटर काट चुके हैं, प्याज भी काट चुके हैं, हम लोग मिर्ची कट रहा है। देख सकते हैं हम लोग मिर्ची कटिंग हो रहा है, आप लोग दिखा रहे हैं। देखिए मिर्ची कटिंग हो रहा है छोटा छोटा पीस में। देखिए मेरा मैडम बना रही है, अब देख सकते हैं। देखिए काट चुकी है मिर्चा। देखिए हम लोग एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं सारा काट के, काटने के लिए एक जगह इकट्ठा करने के बाद हम लोग मुरही निकालेंगे, उसके बाद हम लोग नमक डाल के उसका मिला लेंगे। आप लोग भी घर में बनाइए देसी मुरही। देखिए दोस्तों हम लोग मिर्चा डाल चुके हैं, देखिए हम लोग मिर्चा डाल चुके हैं, अब इस पर हम लोग मुरही डालेंगे। देखिए आ रहे, देखिए मुरही डाल रहे हैं हम लोग, तो मुरही हम लोग डाल चुके हैं। देखिए और हम लोग थोड़ा सा बादाम भी डालेंगे। हाय दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग पूरा वैरायटी रखे हुए हैं, बादाम डाले हुए हैं, इसमें चना है और इसे प्याज है, इसे मिर्चा देख सकते हैं आप। इसमें हम लोग दो ठो टमाटर डाले हैं, एक पैकेट मिर्चा डाले हुए हैं और मुरही डाले हुए हैं। हम लोग इसको मिश्रण करेंगे, उसके बाद आप लोग दिखाते हैं।